विसाखी का त्यौहार भारतीय इतिहास विच विशेष महत्ता रखता है। विशेष करके सिख इतिहास विच इस दिन नूं खालसे दे जन्म दिहाड़े वजों मनाया जाता है। 1699 की विसाखी को आनंदपुर साहिब विखे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए समूह सिख भाईचारा इस दिन नूं खालसे दे जन्म दिहाड़े वजों मनाउंदा है। इस दिन नूं विसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। आम तौर पर यह त्यौहार हाड़ी की फसल पक्कण की खुशी विच भी मनाया जाता है। इस नूं किसानां दा मेला भी कहा जाता है। इस दिन कई थावां ते भारी मेले आदि भी लगते हैं अते कई गुरद्वारों में धार्मिक समागम भी करवाए जाते हैं। 1699 विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब विच एक महान सभा बुलाई सी। इस सभा विच वख-वख थावां तो लगभग 80,000 सिख इकट्ठे हुए। जदों सभा शुरू हुई तो गुरु साहिब ने म्यान विचों तलवार कट के कहा, है कोई अजिहा सिख जो धर्म लई अपने प्राणा का बलिदान दे सके? ये सुन के सभा शांत हो गई। पंज सिख वारो वारी उठे अते उन्होंने गुरु साहिब नूं अपना आप सौंप दिता। गुरु साहिब ने उन्हां पंज सिंघां नूं अमृत छका के पंज प्यारियां दी पदवी दित्ती अते बाद विच उन्हां पासों आप अमृत छकिया। खालसे दी स्थापना करके गुरु साहिब ने एक नवां पंथ सिरजिया अते जात पात रंग भेद आदि दे वितकरे नूं खत्म कर दिता। गुरु साहिब ने अमृत छकन तो बाद मर्दां दे नां दे पिछे सिंघ अते औरतां दे नां दे पिछे कौर लगाउण दा हुक्म दिता। अमृत छकन तो बाद केस कंगा कड़ा कृपान अते कशहरा हर सिख दी पोशाक दा जरूरी हिस्सा बन गया। जिलियां वाले बाग दा साका जो कि ना भुलण योग है वह भी 13 अप्रैल 1919 ही वापरिया सी। विसाखी वाले दिन उत्थे कई निहत्ते भारती इकट्ठे हुए सन जिन्हां नूं जनरल डायर ने गोलियां नाल भुन दिता सी। इस साके विच लगभग 20,000 लोग मारे गए सन जिन्हां विच बच्चे औरत बजुर्ग आदि शामिल सन।